हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सीक्रेट कॉइन कुछ ही दिनों में 50% से लेके 70% तक पंप होने के लिए बिल्कुल रेडी है। लॉन्ग अवेटिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है। किसी भी टाइम पर, चाहे वो कल हो जाए, परसों हो जाए, कॉइन फुली बुलिश हो सकता है। अगर हम इसको 1 या 2 वीक के लिए होल्ड करते हैं, मतलब सितंबर मंथ के लिए होल्ड करते हैं, तो कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर हम इसको 3 या 4 मंथ के लिए होल्ड करते हैं, तो फिर तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। ये जो सारे प्राइस टारगेट मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये रियलिस्टिक प्राइस टारगेट है। कॉइन में इतनी पोटेंशियल है कि ये इजीली इन टारगेट्स को अचीव कर सके। ये वीडियो बेस है कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, हमें मिलके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। इस टाइम पे जो करंट प्राइस है सीक्रेट यूएसडी की, वो है $1। यहाँ पे मैं आपको एक इवेंट दिखाना चाहूंगा कॉइन मार्केट कैलेंडर के ऊपर। मेन नेट अपग्रेड होने जा रही, अच्छी टेक्निकल डेवलपमेंट है। डेट है 13 सितंबर 2022, द शोक वेव डेल्टा मेन नेट अपग्रेड इज स्केड्यूल फॉर सितंबर 13। कितने दिन रह गए हैं, 6 डेज बाकी हैं। तो सम टाइम जो टेक्निकल डेवलपमेंट वाली न्यूज होती है, सम टाइम इस न्यूज से पहले प्राइस पंप हो जाया करती है। सम टाइम जब ये वाली जो टेक्निकल डेवलपमेंट फुली इंप्लीमेंट हो जाती है, तब कॉइन जो ट्विटर के ऊपर टीम अनाउंस करती है या सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस करती है कि जी फुली इंप्लीमेंट हो चुकी है ये टेक्निकल डेवलपमेंट, सम टाइम उस न्यूज के बाद प्राइस पंप हो जाती है। तो हम इसको लेके चलेंगे सितंबर मंथ, मैक्सिमम या मिनिमम पीरियड लगा लें 1 या 2 वीक के लिए, सही। तो इसके लिए कितना प्रॉफिट कमाना है, वो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं। चार्ट के ऊपर करंट प्राइस है $1 और यहां पे आप 2 प्राइस टारगेट देख रहे होंगे, एक है $1.33 का, एक है $1.58 का। ये है जी 1 या 2 वीक के लिए प्राइस टारगेट, ये हैंडसम प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म के लिए। 1 या 2 वीक बहुत कम होते हैं, दिसंबर तक के लिए तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या है टेक्निकली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा चार्ट को एक्सपेंड करने वाला हूँ ताकि आपको मैं ब्रेकआउट दिखा सकूं। देखें यहाँ पे 3-4 कैंडल बन चुके हैं, ये लॉन्ग अवेटिंग ट्रेंड लाइन थी। ये पहले यहाँ पे रेसिस्ट किया, मार्केट डंप हो गई, रेसिस्ट किया, मार्केट डंप हो गई, रेसिस्ट किया, मार्केट डंप हो गई, दोबारा इसने इसको रेसिस्ट किया, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अब थोड़ा सा हमें चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। बिटकॉइन उधर से थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, वॉल्यूम आएगा इसमें, तो ये कॉइन पहले टारगेट को अचीव कर जाएगा जो कि बनता है $1.33 का। अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ। अब मैं आपको आने वाला हूं ये $1.33 का मैंने टारगेट क्यों रखा है, ठीक है। ये तो रिसेंटली आप देख रहे हैं, यहां पे रेसिस्ट किया मार्केट ने 26 अगस्त को, फिर उसके बाद 25 अगस्त को रेसिस्ट किया था, कॉइन की प्राइस नीचे आ गई थी। यहाँ पे 19 अगस्त को इसने किया था, फिर इसके बाद 18 अगस्त को भी किया था, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ गई। इस तरह अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, 20 जुलाई को भी रेसिस्ट हुआ था, 18 जुलाई को भी रेसिस्ट हुआ था, 17 जुलाई 2022 को भी रेसिस्ट हुआ था। इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर यहाँ से पंप होती है, ब्रेकआउट तो हो गया। सेकंड में आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको प्राइस टारगेट थोड़ा सा आप डिले कर दें 1-30 सेकंड के लिए। मैं आपको दूसरा इंडिकेटर भी दिखाने वाला हूँ। ये मैंने 2 इंडिकेटर लगाए, एक EMA 9 है, एक EMA 14 है, ठीक है। फाइनली ये भी क्रॉसओवर हो चुका है, जो बुलिश लाइन है ग्रीन कलर की वो ऊपर आ चुकी है, बेरिश नीचे आ चुकी है। तो ये एक सेकंड इंडिकेशन है कि कॉइन की प्राइस जो स्प्रिंग की तरह पंप होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये वॉल्यूम कब आता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितने दिनों में आता है उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम आने के फेयरली चांसेस हैं। $1.33 तक इसका मैंने आपको बता दिया कि क्यों। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। गेम प्लान ये है कि यहाँ पे जाते ही आपको 30% का प्रॉफिट हो चुका होगा, अब यहाँ पे सेल कर दें शॉर्ट टर्म के लिए। सेल करने के बाद, ये मैं सितंबर मंथ की गेम बता रहा हूँ, दिसंबर मंथ के क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेल कर दें, अगर ये 135 या 136 पे चला जाता है, इसका मतलब सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है, दोबारा रीबाई कर लें। फिर कॉइन की जो प्राइस है इस ये देखें, यहाँ पे जो हायर है वो लगा था 13-14 अगस्त को, वो लगा था $1.58 का। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 55% का प्रॉफिट इजिली हो सकता है 1 या 2 वीक या मैक्सिमम 3 वीक के अंदर अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे चलते हैं कि दिसंबर 2022 तक कितना प्रॉफिट मिल सकता है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि हमें रीजन पता होना चाहिए कि हम जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो है क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे आपको इसकी मिशन स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। वीडियो को लॉन्ग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मोर
प्राइवेसी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, सीक्रेट नेटवर्क इज द फर्स्ट ब्लॉकचेन विद कस्टमाइजेबल प्राइवेसी, यू गेट टू चूज व्हाट यू शेयर विद हुम एंड हाउ, दिस प्रोटेक्ट्स यूजर एंड एम्पावर डेवलपर टू बिल्ड ए बेटर वेब थ्री। प्राइवेसी कॉइन है, वेब थ्री का ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, टीम अच्छी है। अगर आप इसको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो करते हैं तो ये लगातार इसकी जो ट्वीट्स आ रही हैं, टीम एक्टिव है, करंट प्राइस है $1.05। इसका मैं आपको यहाँ पे सिंपली ऑल टाइम हाई दिखाना चाहूंगा, सिंपली ऑल टाइम हाई है $10, ठीक है। ये यहाँ पे डाटा दिखाने का पर्पज ये नहीं होता कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर $10 गया, हो सकता है बाइनेंस के ऊपर भी गया होगा, मैंने बाइनेंस का स्पेशली चार्ट नहीं देखा इसके पीछे करके। ये ओवरऑल जब से ये मार्केट में आया है ये इसका ऑल टाइम हाई $10 था। आज इसकी प्राइस कितनी है, ये है $1, इसका मतलब 9x 900% ये नीचे डाउन आ चुका है। इस कॉइन का जो सिंबल है वो SCRT कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बाई कैसे करना है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। इसका जो प्राइस टारगेट है, अगर हम इसको कम से कम 3x लेके चले, मतलब यहाँ से ये $3.50 या $4 प्राइस होती है, जो कि एक फेयर प्राइस टारगेट है 3 से 4 मंथ के लिए। जो दिसंबर मंथ है हमेशा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वार्टर को 400 में तकसीम कर लें, फरवरी जनवरी मार्च, मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट होता है, अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अभी जो मंथ इंपॉर्टेंट है उसके बाद दिसंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वार्टर लास्ट मंथ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। बाइनेंस के यूकॉइन, गेट.io, क्रैकर, योबी, ये सारी अच्छे एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट है। इंडियन एक्सचेंजेस MEXC, वजीरएक्स पे भी अवेलेबल है, बिटकॉइन, कॉइनएक्स, बायबट, एल बैंक, सारी अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं। बात करते हैं जी दिसंबर 2022 तक मैं इसको लेके चल रहा हूँ, कम से कम $3.50 से लेके $4 तक इसमें से हमें प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा है मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मैं आपको कह रहा हूँ इसको बाई करें, कर भी सकते हैं, अच्छा कॉइन है। लेकिन अगर आप इसमें $100, $200, $300 इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो दिसंबर 2022 कितना मंथ है, 2-3-4 मंथ ही है, तो आप फेयरली चांसेस है आपके जो पोर्टफोलियो वो डबल हो सकता है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि शॉर्ट टर्म में दिसंबर मंथ वाले जो है वो स्टॉप लॉस ना लगाएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नीचे सितंबर के लिए करना चाहते हैं, 3-4 वीक के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए वो स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस बनता है 86 सेंट के ऊपर, ठीक है। प्राइस रेंज बनती है $1 से लेके 96 सेंट तक, 96 सेंट से लेके मतलब $1 जो करंट प्राइस है, तो आप 5-6% नीचे डिफरेंट प्राइसेस पे बाय करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे देखें इसने स्पोल लिया था, प्राइस पंप हो गई थी, वो है 18 जून, उसके बाद 1 जुलाई 2022 प्राइस उसके बाद फुली बुलिश हुई है। चांसेस तो नहीं है कि ये स्टॉप लॉस पे हिट होगा, लेकिन फिर भी मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है तो हमें बच बचा के चलना है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 86 सेंट्स, ज्यादा वहां पे नुकसान नहीं होगा, ठीक है, प्रॉफिट होने के ज्यादातर चांसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।